Hey, y'all, come look at this. दोस्तों आए दिनों इंटरनेट पर हमें एक से बढ़कर एक नमूने देखने को मिल जाते हैं जो अपनी ओल जलूल हरकतों से ना सिर्फ लोगों को हैरान करते हैं बल्कि हंसाते भी हैं। तो यार आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अतरंगी लोगों को लेकर हाजिर हैं जिन्हें इंटरनेट पर आजकल पापा की परियां और माँ के मगरमच्छों के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी कारनामे इतनी फनी होती है कि लोग अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो यार देर किस बात की, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसका टाइटल है पापा की परी पार्ट 12। आइए देखते हैं मजा आएगा। अब भाई मिली इस परी से जो पहुंची जब बॉयफ्रेंड से मिलने, तो भैया ये मिलने के चक्कर में ऐसा होश गंवा बैठी कि ये वहीं पर सुबह तक सो गई। जिसके बाद तो भाई साहब इनके साथ क्या हुआ आप खुद ही देखिए। भाई बॉयफ्रेंड की मम्मी ने तो इन दोनों की पुंगी ही बजा डाली। दोस्तों ये तो जाहिर है कि अगर पापा की परियां स्कूटी के साथ मौजूद हों तो वो कोई ना कोई अतरंगी कांड कर ही जाती हैं। जैसा कि इस क्लिप में ये परी जब दोस्तों के साथ निकली शहर पर, तो भैया ये हैवी ड्राइवर बनने के चक्कर में दोस्तों सहित स्कूटी लेकर नाले में ही घुस गयी। भाई साहब इनको कीचड़ में सराबोर हुए देखकर तो मेरी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब भाई मिले इस महाशय से जो रात में जब सोने गए तो ये दरवाजा बंद करना भूल गए, जिसके बाद तो भाई साहब सुबह सुबह उठते इन्होंने ऐसी चीज देखी जिसे देख इनके होश ही उड़ गए। नो 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 भाई साहब इस घटना के बाद तो मुझे लगता है कि ये जनाब अब दिन में भी दरवाजा बंद करके ही सोएंगे। अब भाई मिले इस दीदी से जिनको पूछा गया कि आप 22 साल के हैंडसम गरीब लड़के से शादी करेंगी या फिर बूढ़े अमीर से, तो भैया इन्होंने क्या खूबसूरत जवाब दिया जरा आप भी सुनिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक साइड पे 20-22 साल का बच्चा लड़का जिसके पास पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है, एक साइड पे 35-40 साल का बाबा कर लें जिसके सर पे बाल नहीं है, बड़ी बड़ी मूछें हैं लेकिन उसके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको दोनों तरह से प्रपोजल आए तो शादी किसे एक्सेप्ट करेंगे? जुम करो, जुम करो, जुम करो। अच्छा मतलब 22 साल वाला गरीब होगा? हाँ 22 साल वाला। आपके पास तो प्लस पॉइंट है, आप तो इतनी प्यारी भी है माशाल्लाह। ठीक है मैं जो है ना फिर देखिए गरीबी में वक्त नहीं गुजरता आजकल, तो मैं जो है ना 35 साल की तरफ ही जाऊंगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। भाई साहब ये देखकर तो मैं यही कहूँगा कि लड़कों अभी भी सुधर जाओ वरना लास्ट में कुछ भी नसीब नहीं होगा। अब भाई मिली इस चिमकांडे से जो इस शादी में पहुंचा जब डांस करने, तो ये पहुंचकर डांसर के साथ डांस करने को बुलाता है ताकि मिलकर जबरदस्त डांस कर सके, पर भाई साहब डांसर ने आके इसके साथ कुछ ऐसा किया जिसे देख आप भी हंस पड़ेंगे। चक्कर आने लग गए अब, अरे वो लड़की चले गए। दोस्तों वीडियो
वीडियो मजेदार लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और हाँ, साथ ही हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस वक्त किस गांव, किस शहर या किस देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि भाई हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। अब यार ये तो हम जानते ही हैं कि पपीता स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, पर भैया मिलिए इस परी से जिनको लाइफ में पहली बार जब पपीता मिला खाने को, तो भैया ये मोहतरमा पपीता के जगह उसके बीज को ही खाना शुरू कर दी। और जब बीज इनको कड़वा लगा तो ये लोगों को ही भला बुरा बोलने लगी कि आखिर लोग इसको कैसे खाते हैं। Women. अब भाई मिले इस बंदे से जो लेटे लेटे जब अपनी प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, तो ये बात करने के चक्कर में ये भूल गया कि घर में अभी सभी लोग जग रहे हैं। जिसके बाद तो भाई साहब आगे इनके साथ क्या हुआ आप खुद ही देखिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और इसी तरह का नजारा कुछ यहाँ देखने को मिला, जहाँ दिख रही है मोहतरमा अचानक फुलझड़ी से मिस्टर इंडिया में कन्वर्ट हो गई। कैसे कैसे नाम देते हो, आदमी को औरत का नाम देते हो, सरासर ना इंसाफी। भाई साहब ऐसी सुरीली आवाज सुनकर तो मुझे नहीं लगता कि इनका यार दोबारा कभी वापस आना भी चाहेगा। अब दोस्तों मिले इन भैया जी से जिन्होंने पापा की परियों को कैसे सबक सिखाना है ये बखूबी जानते हैं, तभी तो ये अपने बाबू के नखरे का ऐसा जबरदस्त तोड़ निकाल डाले। ठीक है, तीन तक गिनूंगा, अगर आई तो ठीक है, नहीं तो फिर सोच लेना। दो, चार। हाँ तीन बोला, तूने सुना ही नहीं। मैं बोला तीन, तूने अब भाई मिले इन परियों से जो छत पर घर वालों से छुपकर जब रील्स बना रही थी कि भैया, तभी इनके पड़ोस में रहने वाले इस चिंटू ने इनको ऐसा करते हुए रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। कुमारी के लिए तो मैं तीन पे गोली खाऊंगा छोटे। क्या बात है सर। भाई साहब वायरल होने के बाद से ये परियां टेंशन में आ गई हैं कि यार हमारा ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें हमें कोई पहचान ही नहीं रहा। अब भाई मिले इन दोस्तों से जो ठंड से बचने के लिए जब आग के पास बैठकर हाथ सेक रहे थे कि भैया, तभी ये माँ का मगरमच्छ कांपते हुए आया और अपने अगवाड़े पिछवाड़े को सेकने लगा। पर भाई साहब जैसे इसकी कपकपी थोड़ी कम हुई, वैसे इसने ऐसी हरकत किया जिसे देखकर ये दोनों दंग रह गए। भाई साहब ये दोनों भी यही सोच रहे होंगे कि यार भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया है। तो हाँ यार, कैसी लगी ये वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो